नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आपका होस्ट और दोस्त लेके आया हूँ आज की कुछ खास टेक न्यूज़ को दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो पहली खबर आती है वो आती है TCL की तरफ से। TCL ने अपना एक फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है दोस्तों, जो कि है TCL Plix, और ये अब अवेलेबल है परचेज़ के लिए। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। इसमें आपको 6.53 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 675 आपको इसमें मिल जाएगा। पंच होल कैमरा दोस्तों होगा, 3820 mAh की बैटरी होगी और होगा 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दोस्तों। 6GB 128GB का आपको इसमें वेरिएंट मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा TCL MTRO, एक ट्रू वायरलेस ऑन ईयर फोन आपको मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं कलर की, तो इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, वाइट और ब्लैक। अगली खबर जो आती है दोस्तों वो आती है Realme की तरफ से। Realme की दोस्तों बहुत सारी स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ गई हैं और आज कुछ और आई हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। 12GB की दोस्तों इसमें आपको रैम मिलेगी और 256GB की आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा दोस्तों, 4000 mAh की बैटरी होगी और साथ में होगा 50 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 6.5 इंचेस की स्क्रीन होगी और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा दोस्तों। स्नैपड्रैगन 855 प्लस लगा होगा, ये हमें पहले से ही पता थे। तो दोस्तों लगभग इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशन हमें पता चल चुके हैं और बस अब केवल एक चीज़ रह गई है कि इसका प्राइस कितना होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा इसके लॉन्च डेट को, यानी कि 15 अक्टूबर को दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ओप्पो की तरफ से। दोस्तों ओप्पो ने आज अपने दो फ़ोन अनाउंस कर दिए हैं, ओप्पो K5 और ओप्पो रेनो एस। आइए एक एक करके इनकी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो K5 की। तो दोस्तों आपको इसमें स्नैपड्रैगन 730G मिल जाएगा, 6.4 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगा दोस्तों, 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिल जाएगा दोस्तों। कलर की बात कर लें तो आपको ग्रीन, वाइट, ब्लू का ऑप्शन मिल जाएगा साथ में दोस्तों। अब बात करते हैं ओप्पो रेनो एस की। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिल जाएगा, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा साथ में, जो कि बैटरी लगी होगी 4000 mAh की, 6.5 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसमें होगा दोस्तों क्वाड कैमरा, यानी 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के लेंस होंगे दोस्तों। और इसमें 12GB और 256GB तक आपको इसमें जो है रैम मिल जाएगी और इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा दोस्तों। आज ही इन्होंने एक अपना 40th एनिवर्सरी गन डैम जो है वो एडिशन भी दोस्तों हमारे आपके सामने अनवील किया है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है LG की तरफ से। दोस्तों LG V50S ThinQ आज जो है ऑफिशियली हो गया है दोस्तों साउथ कोरिया में, और इसमें होगी 5G कनेक्टिविटी दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो ए, यानी रेनो की एक और जो है दोस्तों एक सक्सेसर आ गया है, जो कि लॉन्च हो गया है जापान में। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस होगा दोस्तों इसमें। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो 6.4 इंचेस की स्क्रीन होगी, 6GB 128GB का वेरिएंट होगा, 3600 mAh की बैटरी होगी, डुअल कैमरा सेटअप होगा 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी आपको इसमें कैमरा मिल जाएगा। ब्लू और ब्लैक इसमें आपको कलर वेरिएंट दोस्तों मिल जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है एप्पल की दोस्तों। कुछ एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि आईफोन SE 2 जो है वो आ जाएगा पहले क्वार्टर में 2020 में दोस्तों। तो देखते हैं ये बात कितनी सच निकलती है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है गूगल की तरफ से दोस्तों। गूगल पिक्सल 4 के लगभग सारे कलर दोस्तों हमारे आपके सामने आ गए हैं। अभी तक जो एक कलर सामने आया था वो था ओसो ऑरेंज, अब आपको इसमें ग्रीन भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा, स्काई ब्लू भी मिल जाएगा और येलो भी मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है नूबिया की तरफ से दोस्तों। नूबिया रेड मैजिक 3S ग्लोबली लॉन्च होगा 16 अक्टूबर को। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है गूगल की तरफ से दोस्तों। गूगल तैयारी कर रहा है पिक्सल 5G लाने की, क्योंकि
ये एक तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक तरह से चैलेंज है एप्पल को। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ऊपर, तो वो आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग ने आज अपने कुछ प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। आइए बातचीत कर लें उसकी। गैलेक्सी टैब S6 आज लॉन्च हो गया है दोस्तों, गैलेक्सी वॉच 4G लॉन्च हो गया है और गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 भी आज दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है। सेल आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे और सैमसंग ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स में। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की, तो आपको गैलेक्सी टैब S6 मिल जाएगा 59,900 का। और बात करते हैं अगर वॉच की, जो कि है वॉच 4G, तो 42 mm की आपको मिल जाएगी दोस्तों 28,490 की और 46 mm की आपको मिल जाएगी 30,990 की। अब आती है बारी वॉच एक्टिव 2 की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे। एक होगा एल्युमिनियम जो कि मिल जाएगा 26,990 का और होगा एक स्टेनलेस स्टील जो कि आपको 31,990 का मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है हरमन की तरफ से। दोस्तों हरमन ने अपनी एक स्पीकर सीरीज़ आज इंडिया में लॉन्च कर दी है जिसकी कीमत है 22,999 रुपये और इस सीरीज़ का नाम है हरमन कार्डन सिटेशन दोस्तों। और इसमें बहुत सारे आपको स्पीकर ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपको बेहतरीन एक साउंड क्वालिटी देने के लिए सक्षम होंगे। दोस्तों बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की। दोस्तों सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आती है नोकिया की तरफ से। दोस्तों नोकिया को 2000 पेटेंट मिल गए हैं जो कि उनके R&D डिपार्टमेंट को हासिल हुए हैं और वो R&D है 5G पर दोस्तों। तो यानी कि आने वाले टाइम में नोकिया बहुत कुछ कमाल करने वाला है। दोस्तों बात करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो कि है अमेज़ॉन की तरफ से। दोस्तों जोमेटो स्विगी ऊबर ईट के बाद अब जो है अमेज़ॉन भी लेके आ रहा है अपनी फूड डिलीवरी सर्विस इंडिया में, जो कि आएगी दिवाली के आसपास। दोस्तों बात करते हैं आज की आखिरी खबर की और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ की दोस्तों, जो कि आती है क्वालकॉम की तरफ से। दोस्तों क्वालकॉम ने जो है ये डिसाइड कर लिया है या तैयारी कर ली है कि वो अपना स्नैपड्रैगन 865 अगले महीने तक लॉन्च करेंगे। दोस्तों यानी कि अभी तक जो सबसे बड़ा इनका जो प्रोसेसर आता है वो है 855 प्लस, लेकिन अब ये 865 लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कितनी ताकत होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज की कुछ खास न्यूज़, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। दोस्तों आज एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लें, और जो लोग ने कर रखा है या जो अभी करेंगे उनके लिए एक आज नोटिस है या इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तभी मेरे नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। और बेल आइकॉन को दबाने के बाद उसमें एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी, आप देखते होंगे जब बेल आइकॉन आपने प्रेस किया तो आपको एक ऑप्शन मिलता होगा ऑल का, तो ऑल पे दोस्तों क्लिक कर दें तभी मेरे नोटिफिकेशन आप तक आएंगे, क्योंकि गूगल और यूट्यूब ने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी हैं तो आपको इतना जो है मेरे लिए करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आपसे कल मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन। योर राहुल द्विवेदी।